गंगा नहाते समय तीन बच्चे लगे डूबने, मछुआरे ने दो को बचाया, एक की हुई मौत। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज करछना थाना अंतर्गत अडीहा घाट पर रविवार को अडीहा घाट गंगा नदी में नहाते वक्त तीन बच्चे डूबने लगे और जोर जोर बचाने के लिए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज मछुआरों के पास गई तो मछुआरों के द्वारा तीन बच्चों में लाला और अनुज को बचा लिया गया, लेकिन तीसरे बच्चे गोलू को बचा पाने उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाए, जिसकी खोजबीन मछुआरों के द्वारा किया जा रहा था। उसी दौरान बच्चों के डूबने की सूचना परिजनों को दिया गया। खबर पाते ही लोगों में हड़कंप मच गया। जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग घोड़ेडीह भीरपुर से घर में रखे मूर्तियों को प्रवाहित करने के लिए आए हुए थे। हम लोग नहाने के लिए गंगा में कूदे, लेकिन गहराई में जाने से हम लोग डूबने लगे तो हम लोगों ने आवाज लगाई और मछुआरों ने हमको तो बचा लिया, लेकिन हमारे साथ गोलू भी नहा रहा था, वह गंगा में डूब गया है। करछना घोड़ेडीह गांव से सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ अडीहा घाट पर पहुंची और करछना पुलिस को भी सूचना दिया गया। करछना पुलिस अडीहा घाट पर पहुंचकर गोलू के शव की तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक गोलू का शव बरामद नहीं हुआ है। गोलू के माता पिता व नात रिश्तेदारों तथा गांव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और करछना पुलिस ने मछुआरों व गोताखोरों की मदद से खोजबीन के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन गोलू का शव बरामद नहीं हो पाया है। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से, राजेंद्र पांडे, प्रयागराज। क्या है बाबा? वो है ये लड़का नहाया आए रहे, एक भतीज है गोलू, एक भतीज है लाला, एक भाई, एक पड़ोसी है हमारा अनुज। इस हम स्नान करे आए थे एक घंटा पहले और इनका घर घोड़ेडीह है, भीरपुर बाजार है जी। हम नागेंद्र त्रिपाठी, यही हमारे भतीज है सब जी। भैया एकदम हमारे डूब गए, पूरी खेल खत्म हो गई। हो अच्छा, आपने थाने में फोन किया? अरे नहीं भैया, अब हम थाने में कहीं फोन नहीं पाए हैं। अभी टीम नहीं आई? हाँ, अब टीम नहीं आई, टीम आई ना ही फोन होने खबर भाई वो आ गए, प्रशासन आ गए। हाँ।